अस्सलाम वालेकुम। पेंटिंग पे आ गई घड़ी। हाँ जी, छत की ग्राउंड बनानी शुरू कर दी हम लोगों ने, और इंशाल्लाह अभी इसको टीने लगा के इसकी बेस कोट बना के आपको दिखाएंगे साइडें। एज देखे अभी पहले आपने के बन गई हुई हैं, बेस कोट लगा दिया हुआ है अस्तर का इन्हें, छत इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे फिर आपको मजीद अपडेट देंगे। वेट सैंडिंग हो गई गाड़ी की, ये गाड़ी की छत पड़ी हुई है, इसको ऐसे देखें। इसका रूफ फैब्रिक चेंज किया है क्योंकि गाड़ी रोल ओवर थी तो इसकी छत ख़राब थी। इस तरफ से भी इसकी वेट सैंडिंग हो रही है, इसकी फाइनल कोट की तैयारियाँ इंशाल्लाह। जी तो बेस कोट लगा दिया वीजल को हमने, और अभी इसके मज़ीद इसके ऊपर जो इसके थोड़ी बहुत कमियां कोताहियां हैं पेंट में, उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी पुटीने लगाई हैं जिन्हें उर्फे आम में टक कहते हैं, और छत के ऊपर भी बेस कोट लग गया। फाइनल बेस कोट एप्लीकेशन शुरू कर दी हमने, गाड़ी की कंडीशन आप लोगों के सामने है। अस्सलाम वालेकुम। पेपर मारना शुरू कर दिए गाड़ी, फाइनल पेंट हो गई थी ईद से पहले, पेपर मार रहे हैं गाड़ी को, इंशाल्लाह इसको
फाइनलाइज करके फिर इसको कंपाउंड करेंगे और फिर इसकी फिटिंग शुरू करेंगे। पेपर मारने से ये होता है जो ऊपर एक डस्ट की हल्की सी लेयर जमती है उसको सैंड किया जाता है, वेट सैंडिंग की जाती है ताकि एक इवन सरफेस जो है पेंट की, जब कोट करते हैं आप तो आप 2 या 3 कोट लगाते हैं इसके ऊपर पेंट के, फिर उसके बाद फाइनल क्लियर कोट के भी 2-3 कोट लगाते हैं, तो उसको सैंड करके आप फिर एक स्मूथ सरफेस जिसके ऊपर मिट्टी शिट्टी पड़ी हो वो उतार देते हैं और एक स्मूथ सरफेस निकल आती है नीचे से। यू सी, जब आपको दिखाता हूँ, इधर आओ, एक चीज़ दिखाता हूँ ना, इस पीस की शाइन देखिए, ग्लॉस और आफ्टर पेपर, ये देखें, ये डल कर देता है, एक लेयर ऊपर से उड़ा देता है, जब ये पॉलिश होगी तो इट विल बिकम हाई ग्लॉस सरफेस इंशाल्लाह। तो जी स्क्रीन बदलने वाले आ गए हैं, स्क्रीन बदलने लगे हैं गाड़ी की। हाँ जी, गाड़ी की क्लीनिंग इन प्रोसेस है, बाहर से तकरीबन पेपर सारा पूरा हो गया और फिटिंग जो है गाड़ी की वो शुरू की है ये, यानी और इसका डोर ग्लास ये टूटा हुआ आया था, देखा आपने पहले भी, और बाकी ये चीज़ें फिटिंग जो इनकी डैम्पिंग शीट्स हैं वो पड़ी हुई हैं हमारे पास, वो फिट करनी है, स्पीकर्स हैं क्योंकि डेंटिंग के लिए सारा सामान खोला जाता है, ये अंदर से उस तरफ वाला हाल देखें इनका क्या हुआ, और ये देखें आफ्टर क्लीनिंग, ये अभी पहला हम तकरीबन 3 स्टेज क्लीनिंग प्रोसेस होता है, अगर कारपेट की हालत ऐसी हो कि उसको निकालना पड़े तो उसको निकाल लेते हैं, जैसे कि वाटर डैमेज गाड़ियों में आपने देखा है पहले हम निकाल लेते हैं, लेकिन जब ऐसी सिर्फ डर्ट क्लीनिंग करनी हो तो फिर हम मल्टी स्टेज क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप इसके ऊपर हुआ है अभी, एज इट्स विजिबली क्लियर, उस साइड से देखें और ये साइड देखें, तो अभी इसके ऊपर जब आगे चल के मज़ीद अगले स्टेज पे करेंगे तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग हो रही है पिछली साइड की, बाकी इसका अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स लग गई हैं गाड़ी की, इसके अंदर हमने स्पोर्ट्स लावा स्टाइल लाइट्स इनको कहते हैं, और एक और नाम होता है इनका, क्या नाम होता है इसके अंदर, ऑडी वाले वो इंडिकेटर्स वो है स्टाइल ऑडी वाला, तो है ये चाइनीज़ लाइट्स आफ्टर मार्केट हैं, तो एक गाड़ी का कलर चूंकि डार्क था
तो मैंने कहा टैन कलर के साथ जो है वो स्पोर्ट्स लाइट्स अच्छी लगती हैं। गाड़ी अपने घर में ही चलनी है, जैसे आपको बताया था कि ये इट्स फॉर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। और ये इसका सारा अंदर से हमने डैशबोर्ड कंसोल भी खोला हुआ था, छत का फैब्रिक जो है वो लग गया। होता ये है कि जब गाड़ी किसी के एयरबैग खुल जाएं, इस गाड़ी के तो एयरबैग भी इंटैक्ट थे, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ये कर्टन एयरबैग जो हैं ये रोल हुए हैं, तो एयरबैग खुल जाएं तो उसकी वजह से छत के ऊपर जो इसका फैब्रिक होता है वो बेसिकली एक फोम मटेरियल का बना होता है, उसके ऊपर फैब्रिक चढ़ा होता है, तो वो फोम मटेरियल जब एयरबैग बर्स्ट होते हैं तो उसके बाद उसकी वो अपनी असल हालत में नहीं रहता, डी शेप हो जाता है, तो उसको दोबारा से या तो ये है कि आप नया रूफ फैब्रिक लगाएं। अब होता ही है कि कबाड़ी मार्केट वगैरह के अंदर ना इन चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा मांगे जाते हैं, उसकी एक वजह ये है कि आप सिर्फ रूफ फैब्रिक मांगने जाएंगे तो वो कहेगा भाई जो लोग मेरे से छत ख़रीदने आएंगे तो उन्हें मैं क्या दूंगा, फिर बगैर रूफ फैब्रिक के छत दूंगा। तो कबाड़ी की कोशिश होती है कि रूफ फैब्रिक अगर बेचे तो इस कीमत पे बेचे कि जितने में पूरी छत रूफ फैब्रिक समेत बिकती है, ताकि उसका अपना कॉस्ट कवर हो जाए या जो उसने प्रॉफिट कमाने का सोचा हुआ है। अब रूफ़ खाली वो जितने की भी बेच देगा तो वो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। दैट्स व्हाई फिर काफ़ी सोचने के बाद और काफ़ी प्रोजेक्ट्स करने के बाद फिर हैक आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है, इधर उधर घूमता है, तो कोशिश वाले जो हजरात होते हैं जो गाड़ियों की सीटें और डोर फ्रेम्स और साइड कवर्स और ये चीज़ें स्टीयरिंग कवर्स वगैरह बनाते हैं, उनके पास इसका सोल्यूशन आ गया कि उन्होंने उस फोम को दोबारा से प्रोटीन्स और वो जो फिलर्स होते हैं वो लगा के उसकी दोबारा उसकी डी शेप से उसको वापस इन शेप लेके आते हैं और फिर उसके बाद एक नया फैब्रिक उसके ऊपर कोशिश कर देते हैं। तो दैट्स अ चीप फिक्स फॉर दैट काइंड ऑफ कार्स। ये वाली इसकी कोशिश हमने साफ करके फिट कर दी है पूरी, इसकी आप हालत देख सकते हैं, मैं आपको गंदी वाली दिखाता हूँ कि अभी जो कोशिशें साफ नहीं हुई उनकी क्या हालात हैं। एक ये पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है, अभी ये साफ होनी है। तो इंजन का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसके ऊपर डीजल का स्प्रे किया ताकि कोई भी जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो एक मड की शक्ल इख्तियार करके इकट्ठे हो जाएं, फिर इसके ऊपर हम डीग्रीजर स्प्रे करेंगे और दैट्स हाउ वी क्लीन द इंजन्स। तो उससे ये होगा कि सारी मड इकट्ठी कर लेगा डीजल। ये देखें आपको बड़ी डिटेल से नज़र आ रहा होगा, हाई ग्लॉस लगी हुई है ना गाड़ी की, तो ये सारा जो इंजन बाउल है ना, इंजन बे जिसको कहते हैं या वर्कशॉप की ज़ुबान में हौदा कहते हैं इसको, तो ये बेहतरीन साफ़ होगा। जब ये अपनी फाइनल लुक में आएगा तो वो भी आपको दिखाएँगे, ठीक है।